हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ में यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स थॉट्स आज पूरा दिन क्या होगा आपके लिए, या आपकी फीलिंग्स थॉट्स उनके लिए क्या होगा, उनके एक्शंस आपके लिए आपके रिश्ते के लिए क्या हो सकते हैं, या आपका एक्शंस इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर के लिए क्या हो सकता है, यही चेक करने की कोशिश करेंगे। ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सबके लिए है। फैमिली से कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज पूरा दिन, क्या सोचेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। मैच्योरिटी, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहते हैं, इस रिश्ते में मैच्योरिटी चाहते हैं। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, जो रिश्ता है वो कहीं ज़्यादा गहरा हो चाहते हैं। आपके पार्टनर अब चाहते हैं मैच्योरिटी के साथ डील करना। किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है, किसी तरह का फोबिया हो सकता है, किसी तरह का फियर हो सकता है आपके पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर को पास्ट को लेकर हुआ है, पास्ट में हुआ है। ये पर्सन किसी तरह के इनसिक्योरिटी में थे, फियर में थे, किसी तरह का फोबिया था इस पर्सन को। तो अब इनकी एनर्जी ऐसा है कि इस पर्सन को मैच्योरिटी के साथ डील करना होगा इस सिचुएशन से, नहीं तो शायद हार सकते हैं। आपके पार्टनर आपको खो सकते हैं, जो कि खोना नहीं चाहते। कुछ लोग लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, आपके पार्टनर आप ही मैच्योरिटी देखना चाहते हैं। इन्होंने आपसे कहा भी है, अगर ऐसा इनकी एनर्जी है तो इन्होंने कई कई बार आपसे शिकायत किया है या आपसे कहा है, ठीक है। कुछ लोग मैं ऐसे फील कर पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। चाइल्डिश एनर्जी है आपकी, ये सब तो पसंद करते हैं आपके पार्टनर, पर कई कई मामलों में चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लें, फैसला लें, और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना सीखें। इन फ्यूचर अगर आप दोनों रिश्ते में आ रहे हो, शादी हो रही है आप दोनों के बीच, या बच्चे हो रहे हैं, तो ये पर्सन सोच में पड़ जाते हैं कि वहाँ पर पता नहीं आपका आप कैसे डील करोगे, या आपकी लव लाइफ में हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो ये पर्सन चाहते हैं आप और ये मिलकर मैच्योरिटी के साथ डील करो, तभी आप दोनों इस रिश्ते में सक्सेस हो पाएंगे। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी में देख पा रही हूँ, आपके रिश्ते में मैच्योरिटी चाहते हैं ये। और अगर आपको शिकायत थी इनसे, आप चाहते थे कि ये पर्सन मैच्योर बने, तो यस, मैच्योरिटी ला रहे हैं ये पर्सन खुद में, ठीक है। आपके लिए खुद को बदल रहे हैं, आपके प्यार ने इस पर्सन को बदल दिया है। पहले किसी के कंट्रोल में थे, किसी के अंडर में थे, अब ये पर्सन अपना खुद का दिमाग लगाने लगे हैं, अपना दिल का सुनने लगे हैं, अपने इंट्यूशन के बाद सुनने लगे हैं। और क्या होगी इस पर्सन की फीलिंग्स, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये तो आपका खुद का शाइन हो सकता है। आज पूरा दिन आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या होगी इनकी फीलिंग्स, इंटेंसिटी, आपसे मिलने की ख्वाहिश करेंगे, आपसे कंप्लीशन की ख्वाहिश करेंगे, हारमनी डेफिनेटली चाहेंगे आपके पार्टनर आपके रिश्ते में। हारमनी के लिए मुझे कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो मिलने को आ रहे हैं। यस गाइस, अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो अचानक से आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, यूनियन का, परमानेंटली यूनियन का। इस पर्सन को ना सुकून चाहिए, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपके रिश्ते को लेकर कंपेयर किया, आप दोनों का कंपेयर किया कि आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, कास्ट रिलेशन अलग है, कुछ अलग है, इस पर्सन ने कंपेयर किया। अब आपके पर्सन मुझे नए नज़रिए से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते को। आपको ये पर्सन मुझे न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके रिश्ते में। हारमनी के हारमनी चाहते हैं। आपके पर्सन ने जान लिया है किस चीज़ में इस पर्सन की खुशी है, इनका सुकून है, और इनको क्या चाहिए रिश्ते में। तो आपके पर्सन मुझे ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपसे मिलने की ख्वाहिश करेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपसे यूनियन कर सकते हैं,
कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपके फ्रेंड हैं तो दिल की बात कह सकते हैं, कह सकते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, अब आपसे दूर नहीं रहा जाता, या अचानक से आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है, मिलने की बात ही कर सकते हैं, मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट है तो। अचानक से आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर सकते हैं ना जिसको लेकर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, अनएक्सपेक्टेड होगा ये जो इनके एक्शंस होगा, जो ये पर्सन करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड, ये पर्सन आपको सरप्राइज फील कर देंगे। यस, मुझे इस पर्सन की एनर्जी मिली है। ये एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, बिल्कुल गाइस, इसी इंटेंसिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ आपके रिश्ते में आगे बढ़ना है, हारमनी के लिए, कंप्लीशन के लिए, एक होने के लिए, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ। और क्या होगी इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आज पूरा दिन, और क्या सोचेंगे पर्सन आपके बारे में? गिल्ट, किसी बात का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है इनको, चाहे आपके रिश्ते को सक्सेस ना दिला पाने का हो, या ये पर्सन आज राइट नाउ सक्सेस नहीं है अपने कैरियर में, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन अपने पैर में खड़े नहीं हैं, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इनके कैरियर में, तो इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इनफ नहीं है आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए बेटर नहीं है, ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ये पर्सन सक्सेसफुल नहीं है, इस पर्सन के पास सक्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इनके कैरियर में, और ये चीज़ हर्डल्स है, प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच एक रोका है सक्सेस के लिए, आपसे शादी के लिए, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, ये चीज़ इनको रोक रही है, या आपके पर्सन का थॉट्स देख पा रही हूँ मैं। इस पर्सन को काफ़ी गिल्ट है कि ये पर्सन एक सक्सेसफुल पर्सन क्यों नहीं है, क्यों इनके पास सक्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो कुछ लोग के लिए मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर ये पर्सन किसी और के साथ हैं, या जरूरी नहीं है किसी और के साथ हैं, आप दोनों के बीच दूरियाँ आ गई, आपसे दूर हो गए किसी रीज़न से, किसी वजह से, इनका खुद का डिसीजन था आपसे दूर होना, तो आपके पर्सन मुझे पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली। कई सारे लोगों के लिए मैं इनकी फीलिंग्स ये देख पा रही हूँ, इनके पास सक्सेस है, पैसा है, मनी है, सब कुछ है, पर प्यार नहीं है, आप नहीं हो। काश थोड़ा और कोशिश कर लिया होता तो आपके साथ रिश्ते में सक्सेस मिल जाती, या आपके पार्टनर का थॉट्स देख पा रही हूँ मैं, आज पूरा दिन यही सोचेंगे। आपके पर्सन किसी बात को लेकर काफ़ी गिल्टी हैं, आपके रिश्ते को सक्सेस ना दिला पाने का गिल्ट है, आपका प्यार ना मिल पाने का, आपका ना मिल पाने का गिल्ट है इस पर्सन को, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपके रिश्ते में इस पर्सन को सक्सेस चाहिए, यस गाइस, यूनियन चाहिए इस पर्सन को, आपका प्यार पाना चाहते हैं, ये पर्सन अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। हो सकता है कि राइट नाउ अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप पता नहीं एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, यह हो सकता है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है, कि पर्सन चाहकर भी आपके साथ रिश्ते में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी आपसे मिलने को नहीं आ पा रहे हैं, ये पर्सन मैच्योर नहीं है, ये पर्सन इमैच्योर है, खुद को ही दोष दे रहे हैं, खुद को ही बुरा बोल रहे हैं ये पर्सन। और क्या है इनकी, और क्या होगी इस पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, और क्या सोचेंगे आज पूरा दिन? मोरालिटी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई चीज़ है जो इस पर्सन को रोक रही है आपके पास आने से, मिलने से, इस कम्प्लीशन से, सक्सेस के लिए, और इस चीज़ का काफ़ी गिल्ट है इस पर्सन को, ठीक है, यस, इस पर्सन का थॉट्स है, सबसे बड़ी गिल्ट इसी चीज़ का है कि इस पर्सन को कोई चीज़ रोक रही है, कोई बंधन, जकड़न, कोई सिचुएशन, किसी तरह का थर्ड पार्टी। ये पर्सन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के ही बाल नोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका साथ ना पाने का गिल्ट, पहले अवेयर नहीं थे आपको लेकर या आपके रिश्ते को लेकर। अगर ये पर्सन थोड़े से कॉन्शियस रहते, थोड़े से अवेयर रहते, थोड़े से मैच्योरिटी के साथ डील करते, तो डेफिनेटली आज आप दोनों साथ होते हैं। तो क्यों इस पर्सन मैच्योरिटी के साथ एक्शन नहीं लिया, जब एक्शन लेने की ज़रूरत थी, कुछ करने की ज़रूरत थी, इस चीज़ का गिल्ट है। तो आपके पार्टनर काफ़ी गिल्टी फील करेंगे आज के दिन,
ओके, ये वर्षन बस आपके साथ सक्सेस के बारे में सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके एक्शन क्या हो सकता है आज के दिन आपके लिए? क्या हो सकता है इनके एक्शन आज के दिन आपके लिए? आप क्या कुछ आज एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे? यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस भी। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी आज के दिन इनके लिए, क्या कुछ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पार्टनर से, क्या हो सकते हैं उनके एक्शन आपके लिए? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कई सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, इस सक्सेस के लिए। मदर इशू है, मदर प्रॉब्लम है, या किसी से इनको बातचीत करने की ज़रूरत है थर्ड पार्टी से, तो हिम्मत जुटा रहे हैं। हिम्मत के साथ मुझे, हिम्मत के साथ, मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन डील करते हुए, एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप देखोगे क्लियरली इनमें देखोगे। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।